हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशन ट्रेनर। आप सब कब कैसे हैं? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप देख रहे हैं, इवनिंग का टाइम हो रहा है और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सेवन डेज इनको ड्राइविंग करते हो गए हैं और अभी ये सिंगल रोड पे छोटी छोटी गलियों में चला रहे हैं। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था पुणे से, जिन्होंने कहा कि सर बारिश में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है चलाने में, कहा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि बारिश में जब बारिश होती है तो साइड मिरर में पानी पड़ जाता है तो दिखता नहीं क्लियर, और ग्लास जो फ्रंट ग्लास होता है उस पर तो वाइपर क्लीन करता है तो दिखता है, बैक साइड से नहीं दिखता, साइड से मॉइस्चराइजर जम जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो ब्रदर देखिए, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप वन पे एसी चला सकते हैं। एसी जब अगर अंदर गाड़ी के आपके चलेगा तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर गाड़ी के अंदर जो मॉइस्चराइजर जमता है, जो कोहरे टाइप का फोग जम जाता है, वो नहीं जमेगा। अदरवाइज आप छोटे छोटे थोड़े थोड़े से शीशे डाउन कर सकते हैं, जैसे ये शीशे पे साइड में लगा होता है डोर वाइज़र, ये चीज़ डोर वाइज़र होती है, तो आप शीशे कम से कम इतने खोल सकते हैं, स्ट्रेट जाना, इतने शीशे आप खोल सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट, ये शीशे इतने इतने डाउन है, ये इतने शीशे डाउन है, तो एयर पास होती रहेगी जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में फोक नहीं जमेगा आपकी गाड़ी में और आसानी से आपकी कार चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें बारिश में भी ये प्रॉब्लम आती है और कोहरे में भी ये दिक्कत आती है, और आप ब्लोअर भी चला सकते हैं अगर कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा या बारिश हो रही है, तो आप ब्लोअर चला सकते हैं या एसी ऑन कर सकते हैं। एसी में दो तीन ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरी गाड़ी ओल्ड है थोड़ी, इसमें ऑप्शन है, ये नॉर्मली फ्रंट में एयर आने के लिए इस पर करेंगे तो फ्रंट में भी आती है और यह नीचे भी आती है, पैरों में भी आती है, और अगर आप इस पर करेंगे तो ओनली पैरों पे आएगी, ये निशान हर गाड़ी में होता है, और अगर आप इस पर कर देंगे हल्का सा देखेंगे टेंगल का निशान बना, तो ये क्या होता है, इस पर करने के बाद यहाँ पे जो ये चीज़ है इसके अंदर एयर आती है, जब यहाँ पे एयर आती है तो ये शीशे को आपके क्लीन कर देता है, जो फोक जम जाता है, सेकंड गियर करो, जो फोक जम जाता है तो उसको क्लीन कर देता है, जिससे कि आपका ग्लास एकदम क्लीन रहता है। बैक साइड के लिए जो बैक साइड मिनर होता है उसको स्प्रे कर देंगे, ये देख रहे हैं इस चीज़ को स्प्रे कर देंगे तो आपका जो बैक साइड वाला मिनर होता है उसको भी क्लीन कर देता है, और आप थोड़े थोड़े शीशे भी खोल सकते हैं और वाइपर क्लीन करता रहता है। और अक्सर क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा और बारिश हो रही है तो हमने शीशे पूरे बंद कर रखे तो अंदर भाप सी बन जाती है, जिसकी वजह से वाइट वाइट सा मॉइस्चराइजर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी में एसी नहीं है तो आप शीशे राइट लेना, शीशे खोल के चलाएं, गाड़ी थोड़े से शीशे डाउन कर लें, और अगर ज़्यादा दिक्कत आती तो डोर वाइज़र लगवा लें, इनको डोर वाइज़र बोलते हैं, साइड में लगे होते हैं, नॉर्मली किसी भी आप एसेसरीज़ की शॉप पे जाएंगे 500-600 में लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश में फास्ट गाड़ी ना चलाएं, जितना स्लो हो सके उतना स्लो चलें और ईजीली चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बारिश में स्लिप भी होती है गाड़ी और साइडों का, और ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप चारों इंडिकेटर, जो ये चारों इंडिकेटर होते हैं यहाँ पे देखेंगे, चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, अभी आप देखेंगे तो ये चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, आगे से लेफ्ट लेना है, ठीक है, ये चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी के जो इंडिकेटर होते हैं, आगे से लेफ्ट इंडिकेटर होते हैं, उससे उसमें येलो और रेड लाइट जलती है, तो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के बैक साइड का जो रोल होता है उससे क्या होता है कि हमारे बैक साइड में जो भी लोग आते हैं उनको पता चल जाता है कि चारों इंडिकेटर का मतलब ये है कि थोड़ा संभल के चलो। और आप पार्किंग लाइट भी ऑन कर सकते हैं, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा फोक हो रहा है तो फोक लाइट भी आती है, जिसकी वजह से बारिश में चलाने में जो आपको दिक्कत आती है और फोक में चलाने में भी अक्सर दिक्कत होती है, क्योंकि फोक जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप जब बारिश बहुत ज़्यादा हो तो लाइट भी ऑन कर सकते हैं और चारों इंडिकेटर ऑन करके तब चलाएं, उससे क्या होता है बहुत तेज़ी से जो बारिश होती है उसमें आपकी लाइट नहीं चमक पाती, बट इंडिकेटर जो होते हैं वो येलो और रेड होते हैं, जो उनके ग्लास होते हैं येलो और रेड जलते हैं, तो बारिश में भी वो दूर से चमकते हैं, लाइट भी ऑन कर सकते हैं। तो ये बारिश में चलाने का कॉन्फिडेंस था। अभी मेरे साथ सौरभ जी हैं और सिंगल रोड पे ये कार ड्राइव कर रहे हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं, मोड़ने से पहले राइट का सिग्नल दिया जाता है, हॉर्न दिया जाता है, ब्रेक पे पैर रखा जाता है टर्निंग से 100 मीटर पहले, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारी गाड़ी जो है कंट्रोल में रहे, सामने से कोई भी गाड़ी आ रही हो तो उसको हमें अलर्ट करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है हॉर्न देके, ताकि सामने वाले को पता चल जाए, क्योंकि ब्लाइंड टर्न पे गाड़ी दिख नहीं पाती है। रात में क्या होता है, हमें पासिंग डिपर देना होता है, लाइट से अंदाज़ा लग जाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप नाइट में चला रहे हो, बारिश हो रही है, तो थोड़ा अलर्ट होके चलाना है, पासिंग डिपर,
हॉर्न, इंडिकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आगे से लेफ्ट लेना है, ब्रेक पे पैर, सिग्नल, हॉर्न, ये तीनों चीज़। और राइट दबा के लेफ्ट टर्न करना है, ये गाड़ी आपकी जब इतनी आगे निकल जाए फिर टर्न करना है। एकदम उससे पहले काटोगे तो पिछला हिस्सा आपका टकरा जाएगा। हमेशा कोई पिलर हो या पोल हो, कोई ब्लाइंड टर्न हो, तो इतना हिस्सा आपका, ये जो शीशा लगा हुआ है ये वाला, ये हिस्सा जब राइट लेना, ये हिस्सा जब आपका क्रॉस कर जाए उसके बाद गाड़ी हमें काटनी चाहिए, ताकि हमारा जो पीछे का पोर्शन है वो टकराए ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चला चला के, और कोई भी गाड़ी है, अगर आप सोचो कि मुझे कार ऐसे ही समझ में आ जाएगी, नहीं, पॉसिबल नहीं। कार का जो कॉन्फिडेंस है वो चला चला के आता है। जितना ज़्यादा आप चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि खड़ी गाड़ी में आप गाड़ी के एरिए को, गाड़ी की चौड़ाई, गाड़ी की लंबाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब आप कार को ट्रैफिक में चलाएंगे तभी आपको पता चलेगा गाड़ी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसका जजमेंट तभी आएगा। खड़ी गाड़ी पर आप गियर डालना सीख सकते हैं, ABC, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक का कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, स्टीयरिंग काटना और सीधा करना सीख सकते हैं, एसेसरीज के बारे में सीख सकते हैं। बट गाड़ी का जो कॉन्फिडेंस है कि गाड़ी हमारी कितनी चौड़ी है, लेफ्ट साइड हम कितना जजमेंट रखेंगे, वो हमें चलाने से ही पता चल पाता है। अभी आप देख रहे हैं सामने साइकिल है, राइट में कार खड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे, 1 से 1.5 फीट का गैपिंग है लेफ्ट साइड में। तो ये हमें चला चला के ही कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे नहीं आएगा सामने बुलेरो निकल के हॉर्न तेजी से मारो, बजाते रहो हॉर्न कंटिन्यू, नहीं तो वो बैक करेगा। हाँ, जाने दो, निकालो, वेरी गुड। आगे से लेफ्ट का सिग्नल दो, हाँ लेफ्ट का सिग्नल दो और हॉर्न मार के लेफ्ट चलना है, क्योंकि ब्लाइंड टर्न है और यहाँ पे चौराहा है, चौराहे पे थोड़ा एक बार बेटा हॉर्न बजाना है, एक बार, बार बार नहीं, क्योंकि हॉर्न गाली होती है। आप कंटिन्यूस हॉर्न नहीं, एक बार हॉर्न दो बस, क्योंकि इतना तेज़ हॉर्न है, बहुत ज़्यादा हॉर्न से इरिटेशन होता है। बाहर कंट्री में आप जाएंगे फाइन हो जाएगा, समझ रहे हैं। सिर्फ एक बार हॉर्न बजाया करो, पूरा डर हॉर्न पे ही नहीं दिखाना है। क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो, गुड, वेरी गुड। और घबराने की कोई बात नहीं, जैसे आप कह रहे हो डरना, अगर आप डरते ही रहोगे तो डर के आगे कुछ सीख ही नहीं पाओगे। सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे, मुझे आप मौका ही नहीं दोगे सिखाने का तो मैं क्या करूँगा। आप अगर फर्स्ट गियर सेकंड गियर में अटके रहोगे तो मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कब करवाऊँगा, रिवर्स कब कराऊँगा, गाड़ी बैक करना कब सिखाऊँगा, भीड़ भाड़ में कब सिखाऊंगा, ट्रैफिक में कब लेके जाऊंगा आपको। मैं बगल में बैठा हूं, अगर कुछ 19-20 होगा तो मैं गाड़ी कंट्रोल कर लूंगा। आप एकदम निडर होके, कूल होके चलाओ। मैं इसीलिए तो बैठा हूं ना कि अगर कुछ इनकेस कुछ होगा तो मैं कंट्रोल कर लूंगा गाड़ी, ठीक है ना। सामने से कोई गाड़ी आया करे, क्लच और ब्रेक पे पैर रख लिया करो, आपको कोई दौड़ाना थोड़ी है, आपको तो सीखना है। एक पॉइंट लाइट ऑन करो, वो लट्टू आगे घुमाओ, हाँ आगे की तरफ, वेरी गुड। अब ये लाइट इसलिए ऑन कर ली क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का सा अंधेरा टाइप का हो रहा है, तो लाइट ऑन, पार्किंग लाइन, पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी तो सामने वाले को थोड़ा सा ये लगेगा कि गाड़ी आ रही है, बैक साइड बैक लाइट जल जाएगी, आगे की पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी। सिंगल रोडों पे चलाना बहुत ही टफ होता है, सामने से गाड़ी आ रही है उनकी सबकी लाइट जल रही, तो हमें पता चलता है कि सामने से गाड़ी आ रही है। अभी देखो बाइकों की लाइट जल रही तो बाइकों पे फोकस है, कार आ रही बट कार पे फोकस नहीं था, है ना, बाइकों पे फोकस ज़्यादा था। हालांकि कार बड़ी गाड़ी आ रही थी, हैरियर आ रही थी आपका टाटा की, तो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी लाइट ऑन नहीं थी। बाइकों की लाइट, बाइक की आ रही थी, बाइक की आ रही। तो जिन गाड़ियों की अभी देखा होगा आपने, जो भी BS6 की गाड़ियाँ आई हैं उनमें सब में LED दिन में भी जलती है, ऑटोमेटिक लाइट ऑन होती है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, अपने आप लाइट ऑन रहती है। हाँ, बाइक स्कूटी आ रही, तो इससे क्या होता है कि बाहर कंट्री में इंपोर्टेड गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, ये जो सब है, इनमें पहले से, तो इससे सामने वाले को, सामने वाले की नज़र एकदम से जाती है कि सामने गाड़ी आ रही है, तो वो अलर्ट हो जाता है। तो ये लाइट्स का बहुत फ़र्क होता है। आप पार्किंग लाइट जला के चल सकते हैं हल्का सा, अगर अंधेरा लाइट नहीं ऑन करना चाहते हैं, LED रहती है गाड़ियों में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान दे सकते हैं, पासिंग डिपर दे सकते हैं सामने वाले को कि ताकि वो अलर्ट हो जाए, अगर उसका राइट लेफ्ट में कहीं ध्यान है तो वो आपकी तरफ, उसका अट्रैक्शन आ जाना चाहिए। और हमेशा गाड़ी पे ये रखिए कि सामने से अगर लाइट ऑन है तो थोड़ा सा आपको गाड़ी की लाइटों के हिसाब से 2 से 2.5 फीट का गैप मेंटेन करके चलना होता है। तो बारिश में चलाने का और सिंगल रोड पे चलाने का ये सारा जो कॉन्फिडेंस है वो चला चला के आ सकता है। बाकी मैंने वीडियोस में नंबर दे रखा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई। अगर पसंद आई तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा फ्रेंड्स आपको। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।